अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिज़वी किचन। कैसे हैं आप सब? रिज़वी किचन में टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द रेसिपी ऑफ पनीर मखनी पिज़्ज़ा विद मखनी ग्रेवी एंड पनीर टॉपिंग्स विद लॉट्स ऑफ चीज़। बट बिफोर दैट, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। पनीर मखनी पिज़्ज़ा, यू कैन सी ब्रेड यूज़ किया है मैंने, कोई पिज़्ज़ा बेस नहीं है, कोई पिज़्ज़ा डो नहीं बनाना। इट्स वेरी सिंपल, लॉट्स ऑफ चीज़, डबल लेयर ऑफ ब्रेड है जो बॉटम से क्रिस्पी है और ऊपर से सॉफ्ट एंड चीज़ी। देखें, इसे कट करके देखिए, मखनी ग्रेवी दिखेगी आपको। इट्स अमेजिंग डेलिशियस रेसिपी जो बहुत ही सिंपल है एंड देखने में बहुत ही यम्मी और खाने में उतना ही डेलिशियस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डीप पैन लेंगे या कढ़ाई। जस्ट ऐड 2 टीस्पून ऑफ ऑयल, क्योंकि हमें पहले मखनी ग्रेवी बनानी है। ऑयल को गर्म होने देंगे एंड नाउ इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। जस्ट सौते एंड आफ्टर दैट इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है मखनी ग्रेवी की एंड इसमें हम कोई पिज़्ज़ा सॉस या अलग से कोई भी सॉस या सीजनिंग नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि हम सब चीज़ें मखनी में ही डालेंगे। नाउ ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन, सौते फॉर अ वाइल। एंड इसके बाद इसे थोड़ा सा कुक करेंगे, जस्ट ट्रांसक्यूलेंट इस तरीके से। एंड नाउ ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज टोमेटो प्यूरी। अगर आप पनीर मखनी भी बनाना चाहते हैं तो सेम ग्रेवी बनेगी इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड कुक करेंगे फॉर 1 or 2 मिनट। एंड नाउ ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, देन आपका 1/2 टीस्पून रेड चिली, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कश्मीरी रेड चिली 1/2 टीस्पून, गरम मसाला एंड कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, एज वी ऑल आर अवॉइडिंग गोइंग आउटसाइड, घर पर ही हैं हम, तो ये आप बना के बच्चों को दें, बहुत पसंद करेंगे। देखें, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे यानी इसे कुक करेंगे अराउंड 4 to 5 मिनट, ताकि सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। कवर कर देंगे इसे हम एंड मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने, जिसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है एंड अब हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। जस्ट 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून रेड चिली कश्मीरी, 1/4 टीस्पून हल्दी एंड सॉल्ट। जस्ट ऐड 1 टीस्पून ऑफ ऑयल एंड नाउ मिक्स इट। देखें, सो पनीर मैरिनेट हो चुका है। एक बार हम अपनी ग्रेवी चेक करते हैं। यस, इट्स ऑलमोस्ट डन। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। डोमिनोज में हम पनीर मखनी पिज़्ज़ा खाते ही हैं, सो ये कुछ उस तरीके से ही है। 1 टीस्पून क्रीम ऐड की है मैंने, इसे हम मिक्स करेंगे एंड एज आई सेड कि कोई पिज़्ज़ा सॉस या अलग से कुछ भी सीजनिंग हमने नहीं यूज़ करनी, क्योंकि सारे स्पाइसेस एंड ऑल हमने इस मखनी ग्रेवी में ही ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, तो स्पाइसी एंड क्रीमी ऑल्सो। सो मखनी ग्रेवी इज़ रेडी। नाउ
ब्रेड लेंगे एंड उसके कॉर्नर्स अलग करेंगे। ब्राउन ब्रेड लिया है मैंने यहाँ पर, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। चारों कॉर्नर्स हम इसके निकाल लेंगे इस तरीके से। डबल लेयर ऑफ ब्रेड में यूज़ कर रही हूँ ताकि जो थिकनेस है वो अच्छे से आए। जनरली होता है कि हम डो बनाते हैं देन वो अच्छे से कुक नहीं होता, उतना मज़ा नहीं आता, बट बिलीव मी आप ये बनाएं यू विल लव इट। थोड़ा सा फ्लैटन करेंगे एंड नाउ ऐड करेंगे वन चीज स्लाइस। यस, इट्स लाइक चीज बर्स टाइप। सो हमने दो ब्रेड के बीच में चीज स्लाइस रखा है एंड नाउ हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे मखनी ग्रेवी। सो यू कैन सी कि ये कितना यमी बनने वाला है। इसे हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे एंड बिलीव मी आपको डोमिनोज वाला पनीर मखनी पिज्ज़ा का टेस्ट मिलेगा डेफिनेटली। सो किड्स के लिए तो है ही, बट आई थिंक बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। एंड जस्ट टॉप विथ सम ग्रेटेड मोज़रेला चीज, अच्छे से हर कॉर्नर पे हम इसे ग्रेट करेंगे, स्प्रेड करेंगे। एंड बेस्ट पार्ट कि आई एम गोइंग टू कुक दिस इन अ पैन, नो ओवन नथिंग, सो आप आराम से बना सकते हैं। नाउ टॉप विद मैरिनेटेड पनीर। सी सो देखने में ही बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। अच्छे से पनीर स्प्रेड करेंगे एंड इसी तरीके से हम बाकी के पिज़्ज़ा भी बना लेंगे। देखें इस तरीके से। सो जब ये हीट होगा, जब चीज़ मेल्ट होगा, चीज़ स्लाइस मेल्ट होगा बिटवीन द ब्रेड्स, इट विल बी अ ब्लास्ट, बिलीव मी। नाउ एक पैन में बटर ऐड करेंगे, अच्छे से बटर को स्प्रेड करेंगे एंड नाउ प्लेस योर पनीर मखनी पिज्जास। लो फ्लेम पर कुक करना है, जस्ट रिमेंबर दिस, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो और जितना भी चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो। नाउ कवर इट एंड अराउंड 3 to 4 minutes आप इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ दें। नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 4 minutes हम चेक करेंगे। देखिए हमने बाकी के भी पिज़्ज़ास रेडी कर लिए हैं। नाउ सी चीज़ मेल्ट हो चुका है बॉटम से, इट्स क्रिस्पी। देखें इसे निकाल लेंगे, वाओ इट लुक्स अमेजिंग। देखें कितनी सिंपल सी रेसिपी। एज आई सेड अगेन एंड अगेन, नो पिज़्ज़ा बेस, नो पिज़्ज़ा सॉस, नथिंग, जस्ट मेक अ ग्रेवी एंड सम चीज़ एंड पनीर। सी दूसरे भी हम इसी तरीके से कर लेंगे और बनाना भी सिंपल है, आसान है, कोई झंझट नहीं, सारे इंग्रेडिएंट्स घर पर अवेलेबल। सो ट्राई करें ये अमेजिंग पनीर मखनी पिज़्ज़ा रेसिपी एंड ऑल्सो कॉमेंट कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। खुदा हाफिज़, टेक केयर।